हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में आप पढ़ रहे चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें कि आप लोगों को रिप्रोडक्शन क्या होता है वो बता चुके हैं, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड्स, कि बीजों का आकार कैसा होता है। साइंस बुक पेज नंबर 6 में है, आप लोग बुक निकाल लीजिए तब वीडियो देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। साथ साथ रीडिंग भी करते जाइएगा, जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं तो आप लोग भी रीडिंग कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। यह है स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड्स, कि बीजों का आकार कैसा होता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। बीजों का आकार समझने के लिए हम लोग क्या है, इसमें दो एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी नंबर 1 देखते हैं। अगर आप लोग एक्टिविटी देखिएगा या घर में एक्टिविटी कीजिएगा तो बीजों का आकार बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे जैसे बताते हैं हो सके आप लोग आज कीजिएगा वैसा तो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब बीज के बारे में आप लोग समझ जाइएगा कि बीज कैसे होते हैं और इससे प्लांट्स कैसे हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, या ये सीड जो है प्लांट्स का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो कैसे बनाते हैं। सो सम ग्राम सीड इन वाटर ओवर नाइट। चना, ब्राउन चना होता है घर में, उसको क्या कीजिए, रात भर पानी में भिगोइए। फर्स्ट यही है। नेक्स्ट डे टेक आउट 1/6 एंड ऑब्जर्व। अगले दिन क्या कीजिए, उस एक सीड्स को, एक बीज को या एक चना को हाथ में लीजिए और ऑब्जर्व कीजिए, देखिए द सीड्स हैज बिकम बिगर इन साइज। वो जो सीड्स रहेगा, जो पहले था, जो एक दिन पहले देखे हैं, वो सूखा हुआ, वो छोटा था, और नेक्स्ट डे क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं बड़ा हो गया, बिगर साइज। इट हैज ए ब्राउन आउटर कवरिंग। चना का क्या होता है, बाहर में ब्राउन आउटर कवरिंग होता है। इट इज कॉल्ड द सीड कोट। उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। ये भी एक सीड्स का भाग है, बीजों का भाग है सीड कोट, जो बाहर में ब्राउन आउटर लेयरिंग है। अभी तो है नहीं तो हम लोग दिखाते हैं, आप लोग घर में कर सकते हैं, देख सकते हैं। यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व ए टीनी होल्स इन द सीड कोट। और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर जब उसको हम रात भर भिगो देंगे पानी में तो आप देख सकते हैं, उसको लीजिएगा तो देखिएगा तो उसमें थोड़ा टीनी होल्स, मतलब छोटे छोटे छेद मिलेंगे। इट इज कॉल्ड द सीड होल और माइक्रोपायल। इसको क्या बोलते हैं, सीड होल बोलते हैं या माइक्रोपायल बोलते हैं इसको। नाउ केयरफुली रिमूव द सीड कोट। अगर उस हम सीड कोट को आराम से अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, आगे यू विल सी टू थिक एंड फ्रेशी सीड लीव्स। उस चना के अंदर से हमको क्या मिलता है, दो फ्रेशी सीड लीव्स मिलता है। जब हम ब्राउन लेयर को हटा देंगे चना के ऊपर से आराम से, जैसे मान लिया जाए अगर ये सीड है, ये सीड्स है, अगर ये चना है और इसको रात भर भिगोए, इसको अगर हम बीच से अगर आराम से अलग करेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा, दो पार्ट से मिलेगा, जिससे कि चना दाल बनता है। आप लोग चना दाल देखे होंगे, अगर दो चना, एक चना दाल, दो चना दाल को हम ले लेंगे साथ में अगर सटाएंगे तो वो एक चना हो गया। चना का जो है, अगर सूखा चना का भी हम ब्राउन आउटर लेयरिंग हटा देंगे तो उससे चना दाल निकलेगा, लेकिन अगर हम उसको रात भर भिगो देंगे तो वो आराम से उसका छिलका को हम हटा सकते हैं। सीड कोट को हटाएंगे तो हमको अंदर से क्या निकलेगा, दो, जिसको हम बोलते हैं सीड कोट, मतलब थिक एंड फ्रेशी सीड्स, मतलब मुलायम सीड्स निकलेगा। दे आर कॉल्ड कॉटिलीडन्स। वो क्या कहलाता है, वो कॉटिलीडन्स कहलाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये दो जो है, जैसे ब्राउन रहेगा बाहर से तो अंदर से क्या रहेगा, हल्का पीला रहेगा वो कॉटिलीडन्स। व्हेन द सीड्स लीव्स और ओपन यू विल फाइंड ए बेबी प्लांट और एम्ब्रियो इनसाइड। अगर आप जैसे ही चना को, ग्राम को आप अलग कीजिएगा तो अंदर में देखिएगा, जैसे कि हम दो तीन दिन और चना को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, वो स्पॉट्स होकर के उससे ये लीव्स निकल जाता है या रूट टाइप का निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। जो बेबी प्लांट होता है उससे प्लांट्स बनता है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस होता है। दस ए सीड्स है, सीड्स को क्या क्या होता है, वो नंबर 1 पे है ए सीड कोट। जैसे कि आपको बताया कि ब्राउन चना लेंगे तो उसका ऊपरी भाग जो होता है ब्राउन कलर का, जो पूरा कोट रहता है उसको सीड कोट बोलते हैं। दूसरा है सीड होल्स, माइक्रोपायल।
सीट सीट होल्स क्या हो जिसको हम पानी में भिगो कर रखेंगे तो उस सीट कोट्स पे छोटा छोटा क्या होता है होल होता है। कॉटिलिडन्स अभी बताया ये जो दो भाग अंदर का भाग निकलेगा उसको क्या बोलेंगे कॉटिलिडन्स बोलेंगे। कॉटिलिडन्स में भी दो तरीके से होता है एक होता है मोनोकोटिलिडन्स एक होता है डाइकोटिलिडन्स। जिसमें एक कोटिलिडन्स हो उसको मोनो कहते हैं और जिसमें दो हो उसको डाइकोटिलिडन्स कहते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि चावल धान का पौधा होता है धान का बीज जो लेंगे सीड्स लेंगे उसके सीड को अगर हम हटाएंगे तो उससे क्या निकलेगा हमको मोनोकोटिलिडन्स निकलेगा क्योंकि चावल जो होता है वो सिंगल होता है सिंगल सीड होता है। और इसमें जो होता है इसमें क्या होता है दो कोटिलिडन्स होता है जैसे दाल सब है उसमें दो कोटिलिडन्स होगा तो वो मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स होगा। फिर क्या है ए बेबी प्लांट एम्ब्रियो सीड्स को जब हम पानी में रखते हैं तो वो जर्मिनेट होकर क्या होता है तो उससे बेबी प्लांट निकलता है। इच सीड पार्ट हैज ए डिफरेंट फंक्शन टू परफॉर्म एक सीड्स का जो अलग अलग भाग जो है जितने भी भाग हम अभी बताए हैं उसका जो अलग अलग परफॉर्म होता है। पहला है द सीड कोट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो सीड कोट किसको प्रोटेक्ट करता है तो एम्ब्रियो को जो अंदर में बेबी प्लांट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है सीड कोट। सेकेंड नंबर है द एम्ब्रियो माइक्रो पहल एलो द सीड थ्रू ऑब्जर्व वाटर फॉर द बेबी प्लांट टू ग्रो एम्ब्रियो क्या करता है एम्ब्रियो माइक्रोपाइल जो है वो पानी को ऑब्जर्व करता है जैसे चना दाल के ऊपर में जैसे सीड कोट हुआ उसमें जो छोटे छोटे छेद हुए उससे क्या होता है पानी ऑब्जर्व करता है किसके लिए तो बेबी प्लांट को ग्रो होने के लिए एम्ब्रियो को ग्रो होने के लिए वो पानी ऑब्जर्व करता है। द एम्ब्रियो कॉटिलिडन्स प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग प्लांट एम्ब्रियो कॉटिलिडन्स क्या करता है एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है फूड करता है भोजन देता है प्लांट्स मतलब ग्रो होने के लिए उसको ताकि जैसे प्लांट्स तो बड़े बड़े प्लांट्स तो उसके लीव्स भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस लेकिन जब एक सीड्स होता है उसको अगर हम लगाते हैं तो वो तो मिट्टी के अंदर होता है वो खाना खास बनाता है वो प्लांट्स कैसे बढ़ता है तो वो कॉटिलिडन से ही अपना भोजन लेता है जो कि ये एम्ब्रियो जो है वो प्लांट्स में जर्मिनेट्स होकर प्लांट्स में बनता है। द एम्ब्रियो इनसाइड द कॉटिलिडन्स ग्रो इनटू ए यंग प्लांट एम्ब्रियो जो है वो कॉटिलिडन्स के अंदर में होता है जो क्या वो यंग प्लांट ग्रो होकर के क्या होता है यंग प्लांट बनता है छोटा पौधा बनता है जैसे कि जर्मिनेशन का आपको दिया जर्मिनेशन ऑफ ए सीड्स। अब आगे पढ़िएगा कि कैसे एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेट से होकर के ग्रो होकर के यंग प्लांट बनता है। फिर आगे है ए सीड नीड द राइट अमाउंट ऑफ एयर वाटर एंड वार्मथ फ्रॉम सनलाइट टू ग्रो एक सीड्स को है वो क्या है सही मात्रा में उसको क्या मिलना चाहिए हवा पानी गर्मी वार्मथ जो कि सनलाइट से मिलता है उसको ग्रो होने के लिए सही मात्रा में ये सब चीज चाहिए। व्हेन ए सीड गेट्स फेवरेबल कंडीशन इट स्टार्ट टू ग्रो जब सीड्स को एक अनु मतलब अच्छा वातावरण मिलता है उसको अनुकूलित मतलब जैसे सही मात्रा में पानी मिला सही मात्रा में हवा मिला उसको सही मात्रा में पानी मिला सनलाइट मिला तो वो क्या होता है तब वो ग्रो करता है ग्रो करना स्टार्ट होता है। दिस प्रोसेस बाय विच ए सीड स्टार्ट ग्रोइंग इनटू ए सीडलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन जब हम सीड्स को लगाते हैं उसे पानी डालते हैं धूप लगता है हवा लगता है और वो जर्मिनेट्स होना जब वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है उसमें रूट निकलता है बेबी प्लांट निकलता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं जर्मिनेशन कहते हैं। बुक से ए सीड गोज थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेज इन जर्मिनेशन एक बीज जो होती है वो जर्मिनेट होता है उसके चरणों की संख्या बहुत होती है नंबर ऑफ स्टेज जो होता है बहुत होता है। जैसे आप लोग फिफ्थ क्लास तक आए हैं तो कहीं ना कहीं नर्सरी पढ़े हैं LKG UKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो ये क्या आपका नंबर ऑफ स्टेज है उसी तरह जर्मिनेशन का भी कुछ स्टेज होता है। व्हेन ए सीड इज सोन और फॉल इनटू सोइल इट गेट एयर फ्रॉम द लूज सोइल जब हम ये बीज को मिट्टी में लगाते हैं तो वो एयर कहाँ से प्राप्त करता है लूज सोइल से अगर हम मिट्टी को दबा देंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा वो बीज जर्मिनेट होगा भी तो बहुत लेट लगेगा टाइम लेगा वो यानी तो जर्मिनेट्स होगा ही नहीं। वाटर प्रेजेंट इन द सोइल सॉफ्टन द सीड कोट एंड हेल्प द बेबी प्लांट टू कम आउट मिट्टी में जो पानी प्रेजेंट होता है
वाटर जो प्रेजेंट होता है उससे क्या होता है, सीड कोट जो है सॉफ्ट हो जाता है, जिससे क्या बेबी प्लांट बाहर निकलने में मदद मिलता है उसको। सम वाटर इज ऑल्सो ऑब्जर्व बाय द सीड लीव्स टू द यूज बाय द ग्रोइंग बेबी प्लांट। अब कुछ पानी जो है, कुछ वाटर जो है सीड लीव्स ऑब्जर्व कर लेता है। सीड लीव्स क्या है, ये जो है आपका कॉटिलीडंस वो सीड लीव्स कहलाता है। वही जो पानी है, पानी को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, जो बेबी प्लांट को ग्रो होने में हेल्प करता है। द वार्मथ ऑफ सनलाइट एक्टिव्स द सेल ऑफ द बेबी प्लांट टू ग्रो। सनलाइट से जो वार्मथ मिलता है उसको, उससे क्या होता है, बेबी प्लांट का किसी भी सीड्स का सेल जो है वो एक्टिव होता है, जिससे बेबी प्लांट ग्रो होता है। द बेबी प्लांट ब्रेक द सीड कोट एंड कम आउट ऑफ द सीड। बेबी प्लांट जो है क्या है, किसी भी सीड का सीड कोट को तोड़ के बाहर निकलता है। द यंग प्लांट डैट हैज़ ग्रो फ्रॉम द सीड इज नोन एज ए सीडलिंग। यंग प्लांट जो निकलता है बीज से, उसको क्या कहते हैं, छोटा सा प्लांट को हम लोग सीडलिंग कहते हैं। द सीडलिंग फर्स्ट डेवलप रूट डाउनवर्ड्स। सीडलिंग जो होता है वो क्या करता है, रूट डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फिगर्स में। नोन एज रेडिकल, वो जो डाउनवर्ड्स में जाता है उसको वो क्या कहलाता है, रेडिकल्स कहलाता है। एंड देन ए सूट अपवर्ड नोन एज प्ल्यूमिल, क्या कहलाता है, प्ल्यूमिल, जो नीचे साइड जो सूट ऊपर साइड जाता है उसको प्ल्यूमिल कहते हैं। व्हेन ग्रीन लीव्स एंड ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द सीडलिंग्स इज बिकम ए स्मॉल प्लांट। जब ये डेवलप हो जाता है उसका ग्रीन लीव्स और ब्रांच सीडलिंग से, तो वो क्या, वो स्मॉल प्लांट कहलाता है, नन्हा पौधा। वंस द फूड इज द कॉटिलीडंस इज यूज द कॉटिलीडंस श्रिंक्स एंड फॉल ऑफ। जब छोटा पौधा कॉटिलीडंस से फूड लेना बंद कर देता है, उसका पूरा उपयोग हो जाता है, तो कॉटिलीडंस क्या हो जाता है, अलग होकर के गिर जाता है। द यंग प्लांट नाउ स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब कॉटिलीडंस श्रिंक होकर के नीचे गिर जाता है, तो नन्हा प्लांट्स क्या करता है, अपना खाना खुद बनाना शुरू कर देता है। किसकी मदद से, तो फोटोसिंथेसिस की मदद से। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो तो आप लोग पढ़ चुके हैं फोर्थ क्लास में। द स्मॉल प्लांट ग्रेजुअली ग्रो इंटू ए एडल्ट प्लांट। वो स्मॉल प्लांट जो होता है वो क्या होता है, जल्दी एक बड़ा पौधा बन जाता है। इट बियर्स फ्लावर एंड फ्रूट्स विथ सीड्स। उसमें क्या होता है, फूल भी आता है और फल भी आता है, और उसमें सीड्स भी होता है, फूल के बाद ही फल आता है, और फल के अंदर ही बीज निकलता है। इन दिस वे ए साइकिल ऑफ रिप्रोडक्शन कीप द प्लांट्स अलाइव इन द नेचर। और ये प्रक्रिया जो, ये प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन का, जो प्रोसेस है वो नेचर में होते ही रहता है। जैसे कि एक बीज से पेड़ का बनना, बेबी प्लांट, बेबी प्लांट से एडल्ट प्लांट, एडल्ट प्लांट से फिर उसमें क्या होता है, फूल आता है, उसमें फल होता है, फल के अंदर से बीज निकलता है, उस बीज को फिर हम लगाते हैं। ये प्रोसेस जो है लगातार चलते रहता है। एक्टिविटी 2 अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। थैंक यू।